पाताल लोक का तथ्य। अक्सर हमने पौराणिक कथाओं में पाताल लोक के बारे में सुना है, पर पाताल लोक क्या है और कहाँ है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से इस ब्रह्मांड के तीन हिस्से हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक या मर्त्यलोक और पाताल लोक। हिंदू पुराणों में पाताल लोक के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, पर हर पुराण में पाताल लोक की स्थिति का वर्णन थोड़ा अलग है। विष्णु पुराण में पाताल लोक की स्थिति पृथ्वी के नीचे बताई गई है। भगवत पुराण के हिसाब से पृथ्वी के नीचे के ग्रह या ग्रह मंडल को पाताल लोक कहा गया है। और सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया को पाताल लोक कहा गया है। जैनिज्म में पाताल लोक को अधोलोक यानी पृथ्वी के नीचे बताया गया है, पर हर पुराण में धरती के नीचे सात लोकों का वर्णन है, जिसमें सबसे नीचे है पाताल लोक। ये सात लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे आखिरी में है पाताल लोक। कहते हैं पाताल लोक में दैत्य, दानव, नाग और यक्ष रहा करते हैं। ये स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ खूबसूरत झरने, नदियाँ, वन और उपवन हैं। पाताल लोक का अपना एक सूर्य भी होने का जिक्र है। साइंटिफिकली देखा जाए तो पृथ्वी के नीचे का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे ऊपर की लेयर, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की मोटी परत है। अभी तक पृथ्वी में सबसे गहरा गड्ढा रशिया में है, जो 12.2 किलोमीटर का ही हो पाया है, जिसे कोला सुपरडीप बोरहोल के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे का तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से गड्ढा गहरा नहीं हो पाया, तो प्रैक्टिकली पृथ्वी के नीचे पाताल का होना असंभव सा लगता है। तो फिर हमारी धार्मिक कथाओं में पाताल लोक का जो वर्णन है, वो पाताल लोक कहाँ है, आइए देखते हैं। रामायण की कथा में अहिरावण, जो रावण का भाई था और पाताल लोक का राजा भी था, रात के समय राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले गया था। राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने के लिए वो सूर्यास्त का इंतजार कर रहा था। पवन पुत्र हनुमान उन्हें बचाने के लिए एक सुरंग के रास्ते से पाताल लोक तक पहुंचे थे। इस कथा के हिसाब से पाताल लोक धरती के ठीक नीचे है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो वो कौन सी जगह है जहां भारत में या श्रीलंका में जब रात होती है तब वहां दिन होता है या सूर्यास्त होने वाला होता है, और वो जगह है अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका। और भारत या श्रीलंका के ठीक नीचे आता है अमेरिका। हो सकता है यही वो पाताल लोक हो। भारत में बहुत सारी गुफाएं और सुरंग हैं जिन्हें पाताल का द्वार कहा जाता है। पाताल का रास्ता सतपुड़ा की पहाड़ियों में बताया जाता है। पातालकोट नाम के इस जगह पर आदमी तो दूर सूरज की एक रोशनी का भी पहुंचना नामुमकिन है। नर्मदा नदी को पाताल नदी भी कहा जाता है। इस नदी के भीतर ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक का रास्ता जाता है। हालांकि समुद्र में भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। हो सकता है ऐसी ही कोई सुरंग इन्हीं किसी देश में जाकर निकलती हो जिसे पाताल लोक मानते थे। हजारों साल पहले अमेरिका को कोई जानता भी नहीं था। क्या यही तो नहीं था वो पाताल लोक? 1940 में थियोडोर मॉर्डे नाम के एक शोधकर्ता ने सेंट्रल अमेरिका के होन्डुरस में ला सुइडाड ब्लांका नाम के शहर की खोज की थी, जिसे व्हाइट सिटी और सिटी ऑफ मंकी गॉड भी कहा जाता है। इस शहर को बहुत से जानकार वो पाताल लोक मान रहे हैं जहाँ से हनुमान ने राम और लक्ष्मण को बचाया था। इस जगह पर हनुमान जैसे दिखने वाले वानर देवता की मूर्ति मिली है। यही नहीं, बल्कि वहाँ के एक जातीय समूह का नाम भी रामा या राम है। और तो और, वहाँ के प्राचीन लोग वानर देवता की ही पूजा किया करते थे। 2018 में मेक्सिको में गोताखोरों ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा की खोज की है, जो सागर के नीचे है। यह गुफा लगभग 350 किलोमीटर लंबी है और हो सकता है हजारों किलोमीटर लंबी हो। संभव है कि भारत या श्रीलंका से ऐसी ही कोई सुरंग हो जो यहीं कहीं निकलती हो। एक और कहानी में पाताल लोक का वर्णन आता है। महाराज सगर या सागर इक्ष्वाकु वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे।
उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। जब 100वां यज्ञ कर उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो इंद्रदेव ने उस घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में थे और इस बात का उन्हें पता नहीं चला। इधर सगर के पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा और वह घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोद कर पाताल लोक तक जा पहुंचे, जहां कपिल मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है और वो धरती के नीचे नहीं बल्कि धरती के ऊपर ही है, और वहां तक पहुंचने के लिए किसी सुरंग की जरूरत नहीं, तो फिर इसे पाताल लोक क्यों कहा गया है? इन दोनों कहानियों से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, कि पृथ्वी लोक या मर्त्य लोक का मतलब उस समय धरती का वह हिस्सा था जहां लोग रहते थे, और जैसे कि भारत और शायद आसपास के कुछ देश। दूसरा, उस जमाने में हो सकता है कुछ प्राकृतिक सुरंगें रही हों जो लोगों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाती हों, और समय के साथ वह सुरंगें बंद हो गई हों। तीसरा, पाताल वह जगह थी जहाँ कोई सभ्यता या बसावट नहीं थी और जो हमारी नज़र के बाहर थी। अगर हम धरती पर खड़े होकर चारों तरफ देखें तो क्षितिज तक की जो जमीन दिखाई देती है उसे ही पृथ्वी कहा गया है, और उसके अलावा जो क्षेत्र है वही पाताल लोक है। मान्यता है कि प्राचीन काल में समुद्र के तटवर्ती इलाके और रेगिस्तानी क्षेत्र को पाताल कहा जाता था। राजा बलि को जिस पाताल लोक का राजा बनाया गया था उसे आजकल सऊदी अरब का क्षेत्र कहा जाता है। माना जाता है कि मक्का क्षेत्र का राजा बलि ही था और उसी ने शुक्राचार्य के साथ रहकर मक्का मंदिर बनाया था। हालांकि अब भी यह शोध का विषय है, परंतु पौराणिक कथाओं के अध्ययन से यही समझ में आता है कि पाताल पृथ्वी के नीचे नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊपर के वो देश थे जहाँ कोई सभ्यताएँ नहीं बसती थी। उम्मीद करती हूँ कि पौराणिक कथाओं की दृष्टि से पाताल लोक का मतलब अब सही मायने में आपको समझ में आया होगा, और आध्यात्म की दृष्टि से इंसान अपनी सोच व कर्मों से अपने आसपास चाहे तो पाताल लोक बना सकता है जहाँ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा होती है, या चाहे तो पॉजिटिव या सकारात्मक सोच व कर्मों से अपने चारों ओर स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। हरिओम तत्सत।